हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एडी थ्योरी एंड प्राट्स थ्योरी। तो एडी एंड प्राट का जो मॉडल है रिलेटेड टू आइसोस्टेसी, वो हमने एक एक करके डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द टू थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन एडी थ्योरी एंड प्राट थ्योरी। तो चलिए देखते हैं आज क्या है डिफरेंस दोनों के बीच में। एट फर्स्ट तो इमेज डायग्राम ये देख के आपको समझ में आ रहा है, दोनों के डायग्राम में ही डिफरेंस है, तो दोनों के थ्योरी में डिफरेंस तो ऑब्वियसली होगा। एट फर्स्ट ये है एडी का थ्योरी, ये है प्राट का थ्योरी। एडी के थ्योरी में डायग्राम कैसा है, ऊपर जो प्रास्ट है रिलीफ फीचर्स अलग अलग टाइप का है, एंड नीचे उसके अकॉर्डिंग ही उसके जैसे जो है नीचे के तरफ भी है। मतलब क्रास्ट एरिया में अगर माउंटेन एरिया या फिर हायर कोई रिलीफ रेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हायर एक लॉन्ग एक रूट नीचे भी बनता है, वो होता है लाइटर, एंड ऊपर जो होता है वो होता है हेवियर। एंड प्राट के आइसोस्टेसी में क्या है, नीचे कोई भी रूट नहीं है, यहाँ पे ऊपर अगर क्रास्ट ऐसा है तो नीचे उसका एक लाइन ऑफ कॉम्पेंसेशन है, मतलब नीचे सब कुछ थिकनेस डेंसिटी सब कुछ एक जगह पे आके सेम है सबका, एंड ऊपर हाइट उसके डेंसिटी के साथ साथ वैरी करता है। एडी के आइसोस्टेसी में थिकनेस इज इंपॉर्टेंट नॉट डेंसिटी, प्राट के आइसोस्टेसी में डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट नॉट थिकनेस। ठीक है, तो एडी अपने आइसोस्टेसी में लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में कहा है, प्राट ने अपने आइसोस्टेसी में लॉ ऑफ कंपनसेशन के बारे में कहा है। एडी ने कहा है जैसे बोट फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, वैसे ही क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर का जो पार्ट है वो फ्लोट करता है नीचे, जो एस्टेनोस्फीयर मेंटल का पार्ट है उसके ऊपर, एंड उसके लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ऊपर जो कोई भी एक क्रस्ट और लिथोस्फीयर का जो पार्ट है जो विजिबल है वो है 1%, एंड नीचे जो रहता है वो है 9%। मतलब हम जो देखते हैं जो ऊपर है वो है कम, नीचे वो कंपेंसेट कर रहा है एक लॉन्ग रूट के द्वारा, बट प्राट के एसोसिएशन में ये लॉन्ग रूट नहीं है, एक लाइन ऑफ कंपेंसेशन है जहां पे वो सब कुछ थिकनेस डेंसिटी सब कुछ सेम है, बट इसका हाइट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। ठीक है, तो एडी ने डेंसिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा है, प्राट ने कहा है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है, प्राट आइसोस्टेसी में माउंटेन रेंज सपोर्टेड बाय डेंसिटी वेरिएशन विद इन द क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर जो सब डेंसिटी वेरिएशन है उसके द्वारा ही यहाँ पे जो आइसोस्टेसी का मॉडल है प्राट के आइसोस्टेसी का मॉडल वो होता है। एडी के आइसोस्टेसी में वो नहीं है, डेंसिटी नहीं है, यहाँ पे है थिकनेस, एंड प्राट के आइसोस्टेसी में है डेंसिटी। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इमेज में भी यहाँ पे हाइट यहाँ पे बड़ा है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, बट यहाँ पे डेंसिटी के अनुसार नहीं थिकनेस के अनुसार, अगर ऊपर ज्यादा थीक एरिया है तो नीचे और भी ज्यादा थीक एरिया बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक रूट बनेगा। आइदर वे द प्लेट इज रिलेटिवली लाइट एंड फ्लोट ऑन ए फ्लूइड लेयर बेनिथ, तो सबके अंदर ही एक सेम जो है वो है क्या, प्लेट जो है एंड क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर का जो पार्ट है वो लाइटर है एंड वो फ्लोट कर रहा है एस्टेनोस्फीयर के ऊपर, मतलब एस्टेनोस्फीयर एंड जो नीचे जो फ्लूइड लेयर है मैग्मा टाइप का उसका डेंसिटी हमेशा ज्यादा है। अब हम आते हैं डिफरेंस के ऊपर, मेन डिफरेंस के ऊपर। एट फर्स्ट एस्पेक्ट एडी का थ्योरी एंड प्राट, कौन कौन से एस्पेक्ट के ऊपर हमने यहाँ पे ये दो थ्योरी को डिफरेंशिएट किया है। एट फर्स्ट प्राइमरी फोकस, तो प्राइमरी जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है, यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस ऑफ फीचर, ये है प्राइमरी, क्योंकि एडी के थ्योरी में सिर्फ थिकनेस के बारे में कहा गया है, प्राट के थ्योरी में यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटीज ऑफ मेटेरियल, प्राट के थ्योरी में डेंसिटी के बारे में कहा गया है वैरायटीज ऑफ डेंसिटी, एडी के थ्योरी में वैरायटीज ऑफ थिकनेस। ठीक है, एंड यहाँ पे है यूनिफॉर्म डेंसिटी, एडी के थ्योरी में सबके जो अंदर है यूनिफॉर्म डेंसिटी है, वो माउंटेन हो प्लेटो हो प्लेन हो जो भी हो सबके लिए यूनिफॉर्म डेंसिटी है, बट प्राट के थ्योरी में यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है, अलग अलग रिलीफ फीचर्स के अंदर अलग अलग टाइप का डेंसिटीज है। यहाँ पे डेप्थ जो है वो है यूनिफॉर्म, क्योंकि नीचे लाइन ऑफ कॉम्पेंसेशन है जहां पे आके डेप्थ सबका सेम है। डेंसिटी वेरिएशन
एज्यूम कॉन्स्टेंट डेंसिटी विद इन जियोलॉजिकल कॉलम, यहाँ पे देखा गया है जो सेम डेंसिटी है सभी जो अलग अलग कॉलम है उसके अंदर, एज्यूम डेंसिटी वेरीज विद हाइट अबव ए लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन। तो प्राट की थ्योरी में लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन से जितना बड़ा हो रहा है उतना ही डेंसिटी वहां पे वेरी कर रहा है। एंड प्राट की थ्योरी में क्या कहा गया है, इनवर्स रिलेशनशिप है डेंसिटी एंड हाइट के साथ साथ। तो जिसका हाइट ज्यादा है उसका डेंसिटी कम है, जिसका हाइट कम है उसका डेंसिटी ज्यादा है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सपोर्ट, जियोलॉजिकल फीचर सपोर्टेड बाय बोएंसी, ऑब्वियसली एडी के थ्योरी में बोएंसी के सपोर्ट के बारे में कहा गया है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में कहा गया है। जियोलॉजिकल फीचर सपोर्टेड बाय इक्वल मास अलोंग द लाइन ऑफ कंपनसेशन ड्यू टू डेंसिटी वेरिएशन। तो प्राट के थ्योरी में लाइन ऑफ कंपनसेशन के बारे में कहा गया है जहां पे आके सबका मासेस इक्वल होता है। तो ये क्या थ्री इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, एक है थिकनेस रिलेटेड जो एडी के थ्योरी में वैराइटीज ऑफ थिकनेस के बारे में कहा गया है, प्राट के थ्योरी में नहीं। एंड डेंसिटी रिलेटेड एडी के थ्योरी में वैराइटीज ऑफ डेंसिटी के बारे में नहीं कहा गया है, प्राट के थ्योरी में है। एवरी कलम जो है जियोलॉजिकल जो रिलीफ फीचर्स है उसका, तो सभी के अंदर एक दूसरे के साथ जो है डेंसिटी में डिफरेंस है। एंड यहाँ पे बोएंसी के ऊपर बेस करके एडी का थ्योरी है एंड प्राट का थ्योरी है लॉ ऑफ कंपेंसेशन के ऊपर। कंपेंसेशन डेप्थ, द डेप्थ एट विच द लिथोस्फीयर अचीव्स इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे कोई लाइन ऑफ कंपेंसेशन नहीं है, जैसा रिलीफ फीचर से उसके अकॉर्डिंग उस नीचे वैसा ही उसका एक पार्ट होता है एंड रूट होता है जिसके द्वारा वो इक्विलिब्रियम एंड एक बैलेंस पोजीशन में आता है। ठीक है, यहाँ पे कोई अलग से लाइन ऑफ कंपेंसेशन नहीं है। प्राट के थ्योरी में डेप्थ एट विच डेंसिटी वेरीज बैलेंस आउट मासेस, तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ कंपेंसेशन है एंड जिस जगह पे आके सबका मास एक साथ करके बैलेंस होता है, मतलब सेम होता है। एप्लीकेशन सुइटेबल फॉर एक्सप्लेनिंग वेरिएशन इन द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का जो थिकनेस है अलग अलग टाइप ऑफ थिक वाला रिलीफ फीचर से उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये ठीक है एंड ये डेंसिटी वेरिएशन के लिए ठीक है। प्राट का थ्योरी मतलब जिस जिस रिलीफ फीचर्स के अंदर डेंसिटी अलग अलग है एक्सप्लेन करने के लिए प्राट का थ्योरी ठीक है। रिलेशनशिप विद फ्लोटेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बोएंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ऑब्वियसली एडी का थ्योरी बोएंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन इसके ऊपर बेस करके बना है। बट प्राट का थ्योरी लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन और लाइन ऑफ कॉम्पेंसेशन इसके ऊपर बेस करके बना है। कॉम्प्लेक्सिटी या सिंपलियर मॉडल एज्यूम अ कांस्टेंट डेंसिटी। तो एडी का थ्योरी बहुत ज्यादा सिंपल है, यहाँ पे कांस्टेंट डेंसिटी के बारे में कहा गया है, मतलब डेंसिटी सभी जो रिलीफ फीचर्स है उसके लिए सेम है, बट ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। अलग अलग रॉक होगा, अलग अलग मटेरियल होगा तो डेंसिटी अलग अलग होगा, बट ये सिंपल एक मॉडल है जिसके अंदर डेंसिटी का वेरिएशन भी यहाँ पे नहीं लिया गया है, कॉन्स्टेंट एक इक्वल डेंसिटी के बारे में कहा गया है। प्राट थ्योरी या मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल अकाउंट फॉर डेंसिटी वेरिएशन। तो एडी के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडल है प्राट का थ्योरी। लिमिटेशन डज नॉट अकाउंट फॉर वेरिएशन इन मेटेरियल प्रॉपर्टीज अदर देन डेंसिटी। तो डेंसिटी को छोड़ के और कुछ भी यहाँ पे वेरिएशन यहाँ पे नहीं लिया गया है, डेप्थ टेम्परेचर कुछ भी यहाँ पे नहीं देखा गया है। प्राट के थ्योरी में सिंगल लाइन ऑफ कंपेंसेशन विच मे नॉट बी वैलिड इन ऑल जियोलॉजिकल सेटिंग। तो प्राट का थ्योरी भी लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन ऑफ कंपेंसेशन के बारे में कहा गया है बट ये सब जगह पे वैलिड नहीं है। जियोलॉजिकल फीचर सुइटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग माउंटेन रेंज एंड वेरिएशन इन क्रस्ट थिकनेस। तो माउंटेन रेंज एंड क्रस्ट थिकनेस इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सुइटेबल है एंड ये इक्वली सुइटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द सपोर्ट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ जियोलॉजिकल फीचर विद वेरिंग डेंसिटी। जो अलग अलग जियोलॉजिकल फीचर्स है एंड उसका डेंसिटी अलग अलग है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए प्राट का थ्योरी सही है। मॉडर्न यूजेस स्टिल यूज्ड इन सिंप्लीफाइड जियोफिजिक्स मॉडल, या ये बिल्कुल सिंपल है। मॉडर्न जो टेक्निक है वो सब इसके अंदर नहीं है। इनकॉर्पोरेट इनटू मोर कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर एंड डायनामिक। तो एडी के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा मॉडर्न चीजें प्राट की थ्योरी में है बट फिर भी वो भी सिंपल ही है। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, द मेकानिज्म ऑफ आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट ऑल्सो डिफर बिटवीन टू मॉडल। तो आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट भी यहाँ पे दो मॉडल के अंदर अलग अलग है क्योंकि
एडी का जो थ्योरी है वहां पे जो रिलीफ फीचर्स है वो एडजस्ट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, कैसे अपने जो अपना जो वेट है, जो थिकनेस है ऊपर प्रास्ट एंड लिथोस्फीयर के ऊपर, उससे भी ज्यादा एक पार्ट नीचे है उसका, एंड उसके द्वारा ही वो बैलेंस कर रहा है। बट प्रास्ट के थ्योरी में वो ऐसे बैलेंस नहीं कर रहे, अलग अलग डेंसिटी है एंड अलग अलग डेंसिटी के वजह से उसका हाइट अलग अलग हो रहा है, तो ऐसे करके वो अपना जो डेंसिटी है उसको बैलेंस कर रहा है। तो एडी के मॉडल में व्हेन द वेट अबव द क्रस्ट चेंज ड्यू टू इरोशन और डिपोजिशन, तो एडी के थ्योरी में क्या होता है, जब कोई एक क्रस्ट और एरिया होता है, तो यहाँ पे अगर इरोशन और डिपोजिशन का प्रोसेस होगा, हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है, अगर इरोशन होता है तो क्या होगा, ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर आ जाएगा, एंड अगर डिपोजिशन होता है, ये पार्ट ऊंचा होता है, तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ऐसे करके वो बैलेंस करेगा, क्योंकि ऊपर अगर वेट ज्यादा होगा तो उसका जो पार्ट है वो भारी हो जाएगा एंड वेट गेन करेगा, एंड वो नीचे उसका रूट थोड़ा नीचे आ जाएगा, लाइक द प्रिंसिपल ऑफ बुओयेंसी जैसे होता है वैसे, वो भी हमने डिस्कस किया है बहुत बार बहुत सारे वीडियो में आइसोस्टेसी के। तो इरोशन अगर होता है तो ऊपर से वेट रिलीज हो जाता है, तो नीचे से वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो ऐसे करके वो अपना वेट जो है उसको एडजस्ट करता है। प्राट की थ्योरी में क्या होता है, इन प्राट्स मॉडल सच एडजस्टमेंट ऑकर थ्रू चेंजेस इन द डेंसिटी ऑफ द क्रस्टल ब्लॉक, तो प्राट की थ्योरी में ऐसा चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि प्राट की थ्योरी में नीचे एक लाइन ऑफ कंपेंसेशन है जिसके ऊपर पूरा जो है हाइट का चेंजेस होता है। अगर डेंसिटी का चेंज होता है तो ऊपर से हाइट बढ़ेगा, एंड डेंसिटी अगर कम होता है तो ऊपर से हाइट कम होगा, ऐसे करके मतलब चेंज होगा, बट नीचे कुछ भी इसका चेंज नहीं होगा प्राट की थ्योरी में, बट एडी के थ्योरी में ऐसा होता है। द बैलेंस फैक्टर इन एडीज कंसेप्ट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बाय द वेरिंग थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर रूट्स एक्सटेंडिंग इन टू द डेंसर मेंटल, तो एडी के थ्योरी में रूट के द्वारा अपना जो है थिकनेस है, वेरियस थिकनेस है, उसके साथ वो बैलेंस करता है, ठीक है, एक्सटेंडिंग इन द डेंसर मेटेरियल, द ग्रेटर द मासेस अबव द सरफेस द थिकर द रूट बिलो, तो ऊपर अगर मासेस ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है, तो रूट उससे भी ज्यादा होगा नीचे, ठीक है। तो एडी के थ्योरी में ऐसे ही बैलेंस होता है। प्राट की थ्योरी में क्या होता है, द बैलेंस इज स्टक बाय द वेरिंग डेंसिटी ऑफ द प्रास्टल ब्लॉक, एरिया विद लोअर डेंसिटी एज दोस कंपोस्ट ऑफ लाइटर रॉक फ्लोट हायर ऑन द मेंटल देन द डेंसर वन, तो प्राट की थ्योरी में क्या है, जिसका हाइट ज्यादा है उसका डेंसिटी कम है, जिसका हाइट कम है उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो ऐसे करके वो अपना हाइट के साथ ये जो है पूरा जो है बैलेंस वो करता है। इमेज में अगर हम देखेंगे डायग्राम में, तो ये है प्राच का थ्योरी, ये है एडी का थ्योरी, ये एडी के थ्योरी में कैसे बैलेंस हुआ है, कैसे आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट यहाँ पे हुआ है, ऊपर माउंटेन रेंज है, ये ऊंचा पार्ट है, तो इसके लिए नीचे एक बहुत उससे भी ज्यादा डेप्थ एक पार्ट यहाँ पे बना है, रूट एक बना है, एंड प्राट की थ्योरी में यहाँ पे कैसे कंपेंसेट किया है पूरा जो एरिया है, जिसका यहाँ पे लंबा जो हाइट वाला जो पार्ट है ये है माउंटेन रेंज जिसका डेंसिटी कम है, एंड लोअर हाइट वाला जो पार्ट है ये है प्लेन एरिया और समथिंग माउंटेन रेंज से कम हाइट वाला एरिया, तो इसका डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो ऐसे करके डेंसिटी के वेरिएशन के द्वारा हाइट के साथ ऊपर नीच करके ये अपना बैलेंस किया है, बट ये जो है अपना थिकनेस बैलेंस किया है रूट के द्वारा, नीचे एक रूट बना के उसके द्वारा यहाँ पे बैलेंस किया है, एंड यहाँ पे एरी के यहाँ पे आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट कैसे होता है, यहाँ पे अगर इरोशन हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये नीचे का जो रूट एरिया है वो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, जब डिपोजिशन होगा तब नीचे आएगा, जब इरोशन होगा तब ऊपर जाएगा, ऐसे करके वो अपना बैलेंस बनाएगा। प्राट की थ्योरी में अगर डेंसिटी का डिफरेंस होता है तो सिर्फ हाइट में ऊपर नीचे होगा, नीचे कुछ भी नहीं होगा, तो वैसे करके वो बैलेंस बनाएगा। तो ये दो एक मेजर जो डिफरेंस है वो है प्राट एंड एडी का मॉडल, एंड एडी वर्सेस प्राट विच इज करेक्ट, द एडी एंड प्राट आर नॉट द ओनली पॉसिबल मॉडल, दे आर एंड मेंबर मॉडल, तो इसको छोड़ के और भी बहुत सारे मॉडल है, सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेंसिटी चेंज एंड लिथोस्फीयर थिकनेस यहाँ पे है, डेंसिटी एंड लिथोस्फीयर थिकनेस इसके चेंजेस के ऊपर बेस करके ही इसका जो मॉडल है वो है एडी मॉडल फॉर कंटिनेंटल माउंटेन रेंज, कंटिनेंटल माउंटेन रेंज हैव थिक क्रस्टल रूट, तो एडी का मॉडल मेनली मानते हैं हम
माउंटेन रेंज के लिए, क्योंकि माउंटेन रेंज का एक थिक क्रस्टल रूट है। प्राट का मॉडल फॉर मिड ओशनिक रिज हैव टोपोग्राफी दैट इज सपोर्टेड बाय डेंसिटी चेंजेस। तो मिड ओशनिक रिज जो है वहां पे डेंसिटी चेंजेस वाला एक टोपोग्राफी बनता है, और उसके वहां पे जो चेंजेस है वो लाइक प्राट का मॉडल है। इंक्रीज टेम्परेचर एट रिज, रॉक एक्सपेंड एंड डेंसिटी कम होता है। तो यहाँ पे कहा गया है प्राट के मॉडल में डेंसिटी चेंज होता है रॉक टू रॉक एंड रिलीफ फीचर्स टू रिलीफ फीचर्स, तो वो मेनली होता है मिड ओशनिक रिज में। तो ऐसे करके एडियन प्राट दोनों ही करेक्ट नहीं है, मतलब कुछ चीज कुछ पार्ट के लिए एडी का जो मॉडल है वो करेक्ट है, कुछ पार्ट के लिए प्राट का मॉडल जो है वो करेक्ट है। एंड लिमिटेशन में अगर देखा जाए तो दोनों का मॉडल ही बहुत ही सिंपल है, एंड बहुत सारे मॉडर्न चीजें एंड बहुत सारे चीज को यहाँ पे नजरअंदाज किया गया है, उसको अपने मॉडल के अंदर एज ए हाइपोथेसिस नहीं लिया गया है। तो इसकी वजह से ये दोनों जो मॉडल है इनकम्प्लीट ही है। तो ये गया टोटल डिफरेंस बिटवीन एडी आइसोस्टेसी एंड प्राट आइसोस्टेसी। तो मेन डिफरेंस इज थिकनेस जो है एडी के आइसोस्टेसी में, थिकनेस के बारे में कहा गया है, प्राट के आइसोस्टेसी में नहीं। डेंसिटी, प्राट के आइसोस्टेसी में डेंसिटी वेरिएशन के बारे में कहा गया है, एडी के आइसोस्टेसी में नहीं। एडी के आइसोस्टेसी में एक रूट बना के वो अपना जो मासेस है उसका एडजस्टमेंट करता है, बैलेंस करता है। प्राट के आइसोस्टेसी में लाइन अप कंपनसेशन बना के एंड हाइट ऊपर नीचे करके ऐसे करके एडजस्ट करता है। ऐसे छोटा छोटा बहुत सारे डिफरेंस है एडी एंड प्राट के आइसोस्टेसी के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो सब थ्योरी है वो सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।